मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम अमलगमेशन में, पहले हमने लेक्चर में समझा कि क्या होता है अमलगमेशन, किस तरीके के अमलगमेशन्स के नेचर्स होते हैं। अब हम उसको समझेंगे कि उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगे। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके की बुक्स होती हैं। एक तो सेलिंग कंपनी है जो बेच रही है, और एक बाइंग कंपनी है जो बिजनेस को खरीद रही है। तो सेलिंग कंपनी और बाइंग कंपनी की जो एंट्रीज होती हैं, पहले हम वो लिखते हैं। हम लोग अभी जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्जर के केस में आपकी कुछ एंट्री चेंज होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सो सेलिंग कंपनी की बुक्स में सबसे पहले वो अपनी ट्रांसफर कर देंगे ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर फिक्सचर्स, टू स्टॉक, टू डेटर, टू जितनी भी एसेट्स हैं। और ये ट्रांसफर होंगी जो बैलेंस शीट वैल्यू है उस पर। यहाँ पर टू बैंक भी लिखेंगे। तो ये बैंक ट्रांसफर तब करेंगे इफ इट इज मेंशन, क्या कि बैंक भी बोल लिए गए। अगर ये मेंशन नहीं करे तो हम इसे अपने कैश अकाउंट सेपरेट बना लेंगे और उसमें से रख लेंगे ओपनिंग बैलेंस। दूसरी ट्रांसफर करेंगे हम ऑल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी लाइबिलिटीज हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जो भी डिबेंचर्स हैं डेबिट, जो भी आपके लोन्स हैं अगर आपने लोन ले रखे हैं, अगर कोई आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, और भी जो भी लाइबिलिटीज हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी आपके बैलेंस शीट वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब तीसरी एंट्रीज होगी, ट्रांसफर करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्वेश्चन में लिखा होगा कि इतने परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे। फिर ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जितने भी रिजर्व हैं टू इक्विटी शेयर होल्डर। आप गौर से देखिए, एक से लेके चार तक जो एंट्रीज हुई हैं, इन चारों एंट्रीज में हमारी पूरी बैलेंस शीट सेलिंग कंपनी की ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक
है। अब अभी हमने बाइंग कंपनी की एंट्रीज नहीं करी है, अभी हम पहले सेलिंग कंपनीज में ही सारी एंट्रीज करेंगे, ठीक है जी। नाउ फिफ्थ एंट्री जो होगी वो हमारी परचेज कंसीडरेशन हम ड्यू करेंगे। परचेज कंसीडरेशन जितने में नई कंपनी सेलिंग बाइंग कंपनी ने खरीदी है, तो एंट्री होगी परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारी परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट हो गई। सिक्स्थ एंट्री होगी परचेज कंसीडरेशन को डिस्चार्ज करेगा, बताएगा कि वो क्या क्या दे रहा है। तो हमें लिखा रहेगा कि प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी हमारे इतने आ रहे हैं, इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी हमारे पास इतने हैं, और अगर कोई पैसे नकद दिए हैं तो बैंक अकाउंट हमारे पास इतना है टू परचेजिंग कंपनी। ये जो पीसी है ये पीसी से पूरी डिस्चार्ज हो गई कि उसने हमें दिया क्या क्या है। नाउ अब हम सेटल करेंगे, किनको सेटल करेंगे, हम पहले सेटल करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। देखिए हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, या तो हम नकद देंगे या हम प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी देंगे, ठीक है जी। अब हो सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे जो हमने ट्रांसफर किए थे तो 10,000 के हों और हमने पे उन्हें 10,500 किए, तो ज़्यादा जो भी पेमेंट कर रहे हैं बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। और अगर आपने कम पे किए हैं तो रिवर्स भी होगी। अब इतना करने के बाद आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेटल हो गए। नाउ अब हम बात करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में आप एंट्री क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 नंबर, बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट और लॉस, ये ट्रांसफर कर देंगे हम किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो एंट्री क्या होगी, या तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन। प्रॉफिट के केस में ये एंट्री होगी, लॉस के केस में ये एंट्री होगी। अब आप देखिए रियलाइजेशन का अकाउंट ट्रांसफर हो गया इक्विटी शेयर होल्डर में, अब बचा क्या, अब इक्विटी शेयर होल्डर को सेटल करना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को सेटल करना है, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू
एक तो जो इनके पास इक्विटी शेयर आए थे वो दे देंगे, इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी। टू, बैंक अगर कोई बैलेंस आता है तो। ये एंट्रीज आपकी बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में है। सबसे पहले हमने सारी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करी, देखिए गौर से, ये पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करी। इस बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हमने परचेज कंसीशन ड्यू करी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया और रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस प्रॉफिट निकाला एंड देन लास्ट में हमने इक्विटी शेयर होल्डर को सेटल कर दिया। डन। अब हम देखते हैं कि बाइंग कंपनी की बुक्स में कैसे एंट्री होगी। तो बाइंग कंपनी सबसे पहली एंट्री करेगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलिंग कंपनी। ये हमारी परचेज कंसीशन से एंट्री हो जाएगी कि हम ये बिजनेस परचेज कर रहे हैं। दूसरी, जो वो एसेट्स ले रहे हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जिसमें आपकी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी एसेट्स आ रही हैं, फर्नीचर्स फिक्चर्स, स्टॉक, डेटर और भी जो भी एसेट्स हैं सब लिखते जाएं। टू, क्रेडिटर। टू, इतने परसेंट डिवेंचर इन सेलिंग कंपनी। ये वर्ड देखिए मैंने क्या लिखा है, इतने परसेंट डिवेंचर इन सेलिंग कंपनी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा इसका दूसरा नाम, और ऐसे भी लिख सकते हैं, टू लाइबिलिटीज फॉर डिवेंचर ऑफ सेलिंग कंपनी, ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम लिखेंगे टू लोन्स अगर कोई आए हैं, टू कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो सब लिख लेंगे एंड लास्ट में लिखेंगे बिजनेस परचेज। ये परचेज कंसीडरेशन से। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आएंगी वो आएंगी जिस प्राइस पे लिया है, टेक ऑन ओवर वैल्यूज, यहाँ पर भी वही पर प्राइस आएंगी। अगर यहाँ कोई बैलेंस आता है तो वो हमारा गुडविल कहलाता है, और अगर यहाँ बैलेंस आएगा तो वो हम उसे कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, ठीक है। अब जो तीसरी एंट्री है वो हमारी पीसी डिस्चार्ज करने की एंट्री है, जो परचेज कंसीशन डिस्चार्ज करेंगे। तो एंट्री लिखेंगे हम सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, ये परचेज कंसीशन से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ फेस वैल्यू आएगी, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी अगर कोई हमने कैश में दिया है तो। तो आप देखिए यहाँ एसेट्स इन्होंने ट्रांसफ़र करी और वो एसेट्स इनके यहाँ पर आ गई हैं, यहाँ से एसेट्स गई और यहाँ पर एसेट्स आ गई, क्लियर है ना? यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाइंग कंपनीज में और भी एडजस्टमेंट हैं, उनको भी करते हैं। अब बाइंग कंपनीज में, ये बाइंग कंपनीज की बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा,
बैंक कंपनीज में अब जो उनके पास डिवेंचर्स आए हैं, कौन से डिवेंचर जो उन्होंने हमसे लिए थे, लायबिलिटी फॉर डिवेंचर ऑफ सेलिंग कंपनीज, या तो वो नगद पैसे दे दें उन्हें, या वो हो सकते हैं कि वो अपने खुद के डिवेंचर इशू कर दें उन्हें, जो भी करें। तो ये आपने लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी। इसके बाद अगर मान लीजिए जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन में मेंशन है कि स्टैचुरी रिजर्व बाइंग कंपनी को मेंटेन करना है, तो उसके लिए एक एंट्री होगी अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ईपीएफ रिजर्व, क्वेश्चन में जो भी रिजर्व मेंटेन करें, टू इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व या जो भी रिजर्व है, ये क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक है जी। तो ये इसके अलावा जैसा भी क्वेश्चन में दिया है वो एडजस्टमेंट हम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम स्पेशल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। स्पेशल एडजस्टमेंट में अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय परचेजिंग कंपनी टू द एक्सटेंट, इस एक्सटेंट तक, तो एक तरह से वो है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो कंपनी बॉर्न कर रही है, बियर कर रही है। जब वो कंपनी बियर कर रही है तो एक तरह से इनको तो पे करना है, तो ये एंट्री लिखेंगे अपने यहाँ, जब एक्सपेंसेस ये पे करेंगे तो इनके लिए तो खर्चा है, तो ये गुडविल और या कैपिटल रिजर्व जो भी इनका अकाउंट था टू बैंक, ये उसे पे कर देंगे, ठीक है। और इन्हें मिलेंगे तो या तो एंट्री ये डायरेक्ट लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि पहले ये परचेजिंग कंपनी को ड्यू करें ठीक है जी। इसके बाद अगर कोई इंटर ओइंग है, तो इंटर ओइंग में होता है कि डेटर क्रेडिटर में इंक्लूड हो, या तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बाइंग कंपनी की बुक्स में जब ये सब हो जाता है तो वो बाद में एक एंट्री पास करते हैं इनको बोलते हैं नॉकआउट करना। तो एंट्री क्या होगी, हमेशा एक ही एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है जी, इंटर ओइंग हो गया। अगर कंपनी में, चलिए और भी एडजस्टमेंट आएंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है, अभी तक मुझे लगता है ये कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पहले हम कंपनी को एसेट ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, देखिए, चलिए कोई दिक्कत है तो दोबारा कंसेप्ट को रिकॉल कर लीजिएगा, ओके।